नंबर देखिए, यहाँ पर 51 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको बताना है हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यहाँ पर बताइए सीसीआई के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। यहाँ पर देखिए 51 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है यहाँ पर रवनीत कौर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। एक बार देखिए सभी लोग चेक कर लीजिए, सभी के जवाब आ रहा है ना, एक बार देखिए सभी लोग चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 52 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको जवाब देना है। पूछा गया निम्न में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं आपको बताना है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर आपका, विकल्प नंबर जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर के साथ। देख लीजिए डी नंबर सभी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 53 नंबर, वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया, यहाँ पर आपको जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है अमरा धरोहर योजना, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर से आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, बहुत लोग निर्मल यहाँ पर बता रहे हैं है ना, 53 नंबर का देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नंबर नहीं सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। पूछा गया हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा देश आपका प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बताया जा रहा है 54 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं फिनलैंड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, काफी लोगों के आंसर यहाँ पे अलग अलग क्यों आ रहे हैं ना, 54 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर आपका ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए सभी लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 55 नंबर। पूछा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस राकेट से प्रक्षेपित किया गया है, राकेट का देखिए आपको नाम बताना है, 55 नंबर का जवाब क्या होगा। और उस राकेट का नाम था आपका LVM3M4, याद रखिएगा 55 नंबर का आपके यहाँ पर क्या होगा आंसर जाएगा LVM3M4 है ना, 55 नंबर का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है आपको बताना है। और देश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी होगा, न्यूजीलैंड भी होगा, आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर यहाँ पर ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना पड़ेगा, जिनका भी सी आ रहा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, केंद्र सरकार के द्वारा जारी आर्थिक जो आपका ये बजट है 2023-24 के अकॉर्डिंग बताना है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो आप कहेंगे 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी नंबर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है निम्न में से कौन सा देश अभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है, और यहाँ पर अगर प्रथम देश की अगर हम बात करते हैं तो देश का नाम है आपका स्कॉटलैंड, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। जिनका भी 58 नंबर का जवाब ए नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 59 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है भाईखाला, जो कहाँ पे पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ऑप्शन जाएगा आपका विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, पूछा गया अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बता रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से, ना बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी उत्तर प्रदेश आया है जवाब बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपका ये पहले मॉडल पेपर में आपको जो 10 प्रश्न थे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए, यहाँ से आपका दूसरा मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी आपके 51 नंबर से हमने प्रश्न लिए हैं। चलिए बताइए 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बताया जा रहा है ए नंबर गुजरात, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है आपको जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है 52 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टाइली ने, यह भी आपको याद रखना है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित करके जीता है, किस देश को पराजित करके जीता है आपको यहाँ पर जवाब देना है।
और यहां पर देखिए 53 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बताया जा रहा मलेशिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, कार्मिक मैकार्थी जिन्हें इनके उपन्यासों द रोड द नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया था, का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध निम्न में से किस देश से था, इनका जो संबंध था आपका कहां से था, यूएसए से था, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है, बहुत बार करा चुके हैं प्रश्न, ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है और यहां पर बताया जा रहा है, और यहां पर देखिए 55 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, डी नंबर कह रहे हैं 161वीं रैंक है, बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व के प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली है ना, यह आपकी कौन सी है, जुड़जुए को अपनी मंजूरी प्रदान किया है, 56 नंबर का जवाब यहां पर होगा, यूएसए आंसर जाएगा, किस देश ने, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन दो शहरों को विकास के लिए चयनित किया है, किन दो शहरों को विकास के लिए चयनित किया है, आंसर क्या होगा, और आंसर बताया जा रहा है मैसूर है और कौन सा है, हम्पी है, विकल्प नंबर आपको लगाना पड़ेगा सी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया आपको बताना है, और उनका नाम है आपका जू हावो लियांग, यहाँ पे जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा व्यक्ति उपन्यास जो है आपका पागलखाना के लेखक है, प्रश्न ने बताया था अभी इसके पहले एक बार करवा चुके हैं, और यहाँ पर आंसर आपका होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैन अभ्यास जो है किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ आपको बताना, 60 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 60 नंबर का जवाब अगर आप भारत इंडोनेशिया दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर डी के साथ। और इस तरीके से आपके दूसरा मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, और ये जो आपका मॉडल पेपर है आपका तीसरा नंबर का है, ये तीसरा मॉडल पेपर आपके स्टार्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए 51 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, पूछा गया है 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है, आपको देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा जहाज लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ चुका है, हाँ सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए, और यहाँ पर बता रहे हैं 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू, कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की है, और पहला ही विकल्प बता रहे हैं विंध्यगिरी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, 52 नंबर का बताया जा रहा है यहाँ पर गूगल, जो कि आंसर आपका बी नंबर सही है। विश्व योग दिवस यहाँ पर बताइए कौन संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ, जिसकी इस वर्ष की थीम जो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम थी, कौन से नंबर का संस्करण था आपको बताना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर 9वां नंबर का था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 53 नंबर का जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर बताइए 54 नंबर आपको बताना है भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का जो खिताब है फाइनल में किस देश की टीम को पराजित करके जीता है, फाइनल में किस देश की टीम को पराजित करके जीता है आपको बताना है, और 54 नंबर का अगर आपका जवाब लेबनान है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेबनान यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया किन दो देशों की वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ है, वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ है, 55 नंबर का क्या होगा जवाब, और 55 का बताया जा रहा है भारत और जापान, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। रानीपुर टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका है राज्य उत्तर प्रदेश में है, 56 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, 57 नंबर, और 57 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है गुजरात, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं गुजरात, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। हाल ही में यहाँ पर बताइए मुस्क बुद्धजी चावल तथा राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है, और आपको बताना है इनका जो संबंध है किस केंद्र शासित प्रदेश से, तो आप कहेंगे इनका जो संबंध है आपका ये आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से, भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख आपके दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, इसलिए इस प्रकार से केंद्र शासित अगर राज्यों की बात करेंगे 8 हैं और राज्य की बात करेंगे आपके 8 हैं, टोटल उत्तर मतलब पूरे देश में 28 राज्य हैं इस समय वर्तमान में, 28 स्टेट हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 59 नंबर का जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा किबथू यानी अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए,
भारत सरकार के थिंक टैंक है ना, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है बताइए? वर्तमान थिंक टैंक के वर्तमान सीईओ कहिए या नीति आयोग कहिए, इनके सीईओ कौन है? 60 नंबर में आप तो कहेंगे इनके तो आपके चेंज हो चुके हैं, है ना, BVR सुब्रमण्यम है ये चेंज हो चुके हैं। आंसर जाएगा आपका बी नंबर, अब परमेश्वर अय्यर नहीं है, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर यहाँ पे लगा देना है। और इस तरीके से दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 के प्रश्न दिए गए हैं करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स को फटाफट यहाँ पर आंसर आपको देना है। अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD के रूप में निम्न में से किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है आपको बताना है। 51 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 51 नंबर का बताया जा रहा है जवाब यहाँ पर आर दोर ई स्वामी, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में हम जीतेंगे, है ना, समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था ग्रुप के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी अडानी ग्रुप। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग जो लाइक नहीं किए भूल जाते हैं, तो बीच में हमने याद दिला दिया है ताकि लाइक अगर ना किया हो तो कर दीजिएगा। चलिए 53 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा कौन पुस्तक द योगा सूत्र, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक या लेखिका है, यहाँ पर आपको बताना है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक या लेखिका है। 53 नंबर का जवाब अगर आपका ए नंबर है रूपा पाई तो समझ जाइएगा बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस आपका कब मनाया जाता है, आप कहेंगे ये तो मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है, कब, 29 जून को मनाया जाता है, 29 नंबर का 29 कह रहे हैं, 54 नंबर का जवाब 29 जून होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 12,100 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, यहाँ पर आपको बताना है। 55 नंबर का जवाब क्या होगा, तो 55 का जवाब अगर आपका वाराणसी है तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के 2 प्रमुख जहाज INS सहाद्री और तथा INS कोलकाता के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री साझेदारी अभ्यास PMPX में प्रतिभाग किया है, 56 का जवाब क्या होगा, और 56 नंबर का बताना है जवाब क्या होगा। कह रहे इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है जो कि बोर्नियो द्वीप में शिफ्ट किया गया है, पहले आपकी जकार्ता थी अब चेंज हो चुकी, ये भी आपको याद रखना है। और 57 नंबर आपको बताना है, 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित करके जीता है, नोवाक जोकोविच को पराजित करके जीता है आपको जवाब देना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन की है, और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया, याद रखिए, जो कि सर्बिया के हैं, राफेल नडाल आपके स्पेन के हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रेकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, और यहाँ पर देखिए 58 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर बता रहे हैं इराक, इराक की राजधानी बगदाद है और ईरान की राजधानी तेहरान है, तेहरान रान तेहरान ऐसे याद रखिए, इराक की बगदाद, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर बताइए, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में USA ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, USA ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो बताना है भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग क्या है, और भारत की रैंकिंग यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं 142वीं रैंक है जो कि बिल्कुल सही है, 42वीं रैंक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, बताना है आपको किस क्षेत्र से संबंधित थे, और ये क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो आपके संबंधित थे परमाणु भौतिकी विज्ञानी, आंसर लगाना पड़ेगा आपको डी नंबर के साथ, देख लीजिए सभी गा रहा है। और इस तरीके से चौथा मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, अब ये 5वां मॉडल पेपर के प्रश्न जो करंट अफेयर्स के यहाँ से आपके स्टार्ट हैं, और 51 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है, यहाँ पर देखिए 51 नंबर का आपको जवाब देना है, और 51 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है मोडेरा कह रहे हैं जो कि गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है, किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है, 52 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी तो समझ जाइएगा बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्थान के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम जिनका उद्देश्य डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त है करना है को प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये दोस्तों किया गया है आपका, और भी ऑप्शन देख लीजिए, और ये किया गया है आपका होमी भाभा,
होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE के द्वारा 53 नंबर का जवाब आपका डी नंबर सही होगा। किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया है? तो आप कहेंगे ये तो किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर ए वाला, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश के प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुत करता थी जिनका जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया, जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया 55 नंबर बताइए। तो 55 कहोगा गीतांजलि अय्यर, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। भारत सरकार ने निम्न में से किसी की अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसा घटनाओं की जांच के हेतु एक आयोग का गठन किया है? और 56 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है किसकी अध्यक्षता में, अजय लांबा, विकल्प जाएगा बी नंबर के साथ। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख है सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी या दयनीय माना गया है? किस देश को माना गया है? और 57 का बता रहे हैं जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, 57 नंबर का जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? किस देश में हुआ है? तो आप कहेंगे उस देश का नाम है आपका जापान। जापान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जापान की मुद्रा क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था जापान की मुद्रा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलिया डी ला लीजन डी ऑनर से नवाजा गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका एन चंद्रशेखरन को, एन चंद्रशेखरन यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 60 नंबर का जवाब देना, इनमें से किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? बताइए बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेत दिया गया किस राज्य का है चुनार बलुआ पत्थर? तो आप कहेंगे ये तो आपका है उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। बहुत लोग MP मार रहे हैं, MP नहीं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। नंबर 6, यहाँ पर 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्विटर ने अपने लोगों को है ना किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया, अपने जो लोगों को जो है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है आपको यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? और 51 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है ना, यहाँ पर देखिए 51 नंबर कमेंट किया जा रहा है कह रहे हैं X बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल देखिए सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जिसकी वर्ष 2023 की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना है किस तिथि, यहाँ पर बताइए किस तिथि को मनाया गया? 52 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 52 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब अगर आपका आ रहा है, 52 नंबर का जवाब अगर आपका सी नंबर आ रहा है 17 जुलाई, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताइए कौन सा देश करेगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 2024 की यहाँ पर बताया जा रहा है क्वाड में आपका भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान शामिल है और 4 देशों का समूह है, यहाँ पर आंसर आपका अगर भारत है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारत आपका क्या होगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्न आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर है, पूछा गया यहाँ पर आपसे भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का एक प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है जिसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है? 54 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 54 नंबर का बताया जा रहा है और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पर है आपका वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ना, यहाँ पर 54 नंबर का जवाब अगर आपका सी नंबर आ रहा है आपका पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है 55 नंबर, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत ने 121 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए 55 नंबर का बताया जा रहा है, हाँ भारत जो है 121 देशों में अगर हम बात करते हैं है ना, तो यहाँ पर आपका कौन सा स्थान प्राप्त किया है 55 नंबर का, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 107वां स्थान, कौन सा 107वां स्थान है, बिल्कुल सही है 55 नंबर का आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा है ना, यहाँ पर 55वां देखिए 2021 में आपका था, 2021 में आपका कौन सा स्थान था,
2021 में अगर हम पूछेंगे तो आप कहेंगे 101वां स्थान था उस समय, लेकिन जो 2022 के जब हम पूछेंगे तो 107वां है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। 101वां कब है? 2021 का है। 2022 का जब पूछा जाएगा तो 107वां आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 56 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 56 नंबर का जवाब दीजिए। इन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनिक्स 2023 का 10वां संस्करण आपका आयोजित हुआ है। सिलाइनेक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिलाइनेक्स किसके किसके बीच है आपका बताना है, 56 नंबर का। तो 56 का अगर आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है भारत और श्रीलंका आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत और श्रीलंका आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 57 नंबर में आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है यहाँ पर, भोपाल में आयोजित यानी आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 57 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर बताना है जवाब क्या होगा और ये किसने प्राप्त किया है। तो अगर आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है महाराष्ट्र, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। पूछा गया है देखिए आपसे, यहाँ पर बताना है जवाब क्या होगा। किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर दामोदर मौजो बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। कोंकणी लिखा गया दामोदर मौजो है, बिल्कुल सही है। और अगर हम 2021 की जब बात करते हैं तो 2021 में आपके नीलमणि फुकन थे आपके, 2021 में कौन थे? नीलमणि फुकन थे आपके, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 59 नंबर आपको बताना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया है? किसे नामित किया है यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। और यहाँ पर भी देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 59 नंबर का बताया जा रहा है, सी नंबर अजीत अगरकर, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ये जो लिखी गई है आपकी, है ना, किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ चुका है, रंजीत प्रताप बता रहे हैं क्या, देख लीजिए सभी आ रहा है रंजीत प्रताप। हाँ रंजीत प्रताप जो है बिल्कुल सही है। देखिए रॉयल कॉर्पोरेशन के हीरक जयंती के अवसर पर रॉयल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं रंजीत प्रताप ने, है ना, यहाँ पर एक व्यवहारिक पुस्तक जारी की। आंसर क्या होगा? आंसर लगाइए विकल्प नंबर डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए 6 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए, यहाँ से हमारा 7वां मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है। चलिए 7वां मॉडल पेपर है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए 51 नंबर से स्टार्ट है, बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल से राष्ट्रीय स्किल सेल एनेमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 ईस्वी तक स्किल सेल एनेमिया, है ना, सिकल सेल एनेमिया को जड़ से खत्म करना है। बताइए यहाँ पर 51 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 51 नंबर का देखिए यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, 1 जुलाई 2023 है। कौन सा है? 1 जुलाई 2023। हाँ बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 2023 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 52 नंबर आपको बताना है। पूछा गया है, हाल ही में किस व्यक्ति को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, 52 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, माइकल रोसेन। माइकल रोसेन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, विश्व आर्थिक मंच संस्थान द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक है ना, वो कौन सी है? प्रश्न ने बहुत बार कराया, 67वीं रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 54 नंबर आपको जवाब देना है। अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर आपको बताना है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने मिशेल बुलाक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है? 55 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 55 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल सही है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किस राज्य सरकार ने अपने कृषि विभाग की सहायता से संपूर्ण राज्य में किसानों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो है प्रारंभ की गई है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर बताइए यहाँ पर क्या आपका होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है, बताइए किस राज्य सरकार ने किया है? और यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। फसलों, हाँ देखिए फसलों को जानवरों से बचाने के लिए है आपकी योजना है, तो आंसर होगा यूपी में, यूपी में उत्तर प्रदेश आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 नंबर, प्रतिवर्ष किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे 18 जुलाई को मनाया जाता है, उनके अतुलनीय योगदान के लिए हर साल उनके जन्म दिवस 18 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई ऑप्शन नंबर आपको भी लगा देना है।
58 नंबर बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विशिष्ट मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हाँ नहीं, किसके लिए आवंटित की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा रेल। कौन सा है आपका, देखिए 2.5.94 है ना, तो 5.94 वाला जो आपका आंसर होगा ना, रक्षा मंत्रालय, ये आपका क्या है, रक्षा मंत्रालय के लिए आपका हो जाएगा। रेल मंत्रालय के लिए अगर हम बात करते हैं ना, रेल मंत्रालय, हालांकि इसमें नहीं दिया है, रेल मंत्रालय के लिए आपका है कितना, 2.41 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ यहाँ पर आपका है, चलिए यहाँ पर गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 आपका है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 59 नंबर, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत किस शहर राज्य में प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हुआ है, बताइए कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका केरल की राजधानी है ना, ये कहाँ पर हुआ आपको जवाब देना है, 59 नंबर, 59 नंबर का बी होगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाँ देख लीजिए सभी कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 60 नंबर, पूछा गया है यहाँ पर 60 नंबर का आपको जवाब देना है, जून 2023 में निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हुआ है जिन्हें विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक तथा वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है आपको बताना है, यहाँ पर 60 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए 60 नंबर का जवाब हमारे बिता चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ए नंबर, यहाँ पर उनका नाम था जॉन बैनिस्टर है ना, गुड इनफ, अमेरिका के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए आपका मॉडल पेपर नंबर आपका 8वां स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से हमारे साथ कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर बताइए 51 नंबर से आपके स्टार्ट पूछा गया है, 17 जुलाई 2023 को श्री नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को प्रारंभ किया है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है दो राजमार्ग को परियोजनाओं को प्रारंभ किया है, 51 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 51 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है 51 कह रहे हैं ए नंबर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूछा गया 30 जून 2023 को बुसान यानी दक्षिण कोरिया में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पवन कुमार सहरावत के नेतृत्व में किस टीम को पराजित करके खिताब जो है अपने नाम किया है ना, अपने नाम किया है, तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाँ पवन कुमार सहरावत ने किसके नेतृत्व में किस टीम को, यहाँ पर आंसर होगा आपका ईरान है ना, 52 नंबर का आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है 4 जुलाई को भारत ने किया है, इस सम्मेलन की थीम क्या थी, देखिए थीम पूछा गया है शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी जो थीम थी याद रखिएगा सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर है ना, इसकी ये क्या थी थीम थी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए 54 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, चलिए कमेंट करिए यहां पर क्या होगा, जुलाई 2023 में अमेरिका की बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अंतर्गत 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारत वंशी महिलाओं ने स्थान प्राप्त किया है, चलिए 54 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और जवाब हमारे बिता चुका है, यहाँ पर बता रहे हैं 54 का आपका ए नंबर है ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर चार है आपकी, चार की चार महिला है आपकी भारतवंशी, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 55 नंबर आपसे पूछा गया है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-70 नामक जो पुस्तक है जिसमें भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रारंभिक वर्षों का जिक्र है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है उनका नाम बताना है, और यहाँ पर कह रहे हैं अभिषेक चौधरी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है ना, बताइए कहाँ पर दर्ज की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 56 नंबर का जवाब बताया जा रहा है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, चलिए 56 नंबर का देखिए यहाँ पर एमपी, बिल्कुल सही है आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर सी नंबर के साथ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला 56 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए किस देश की सरकार ने, है ना, यहाँ पर बताइए किस देश की सरकार ने हाल ही में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है। 57 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 57 का बताया जा रहा है इजराइल। आंसर क्या होगा, इजराइल। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 58 नंबर आपको बताना है, भारत से बाहर तंजानिया देश के शहर जांजीबार में बन रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के कैंपस की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। बताइए किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रीति अगलायम। प्रीति अगलायम यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, 49 वर्षीय है प्रीति अगलायम। 1995 में IIT मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, याद रखिएगा आंसर आपका होगा प्रीति अगलायम। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस एयरलाइंस को स्काई ट्रैक्स के द्वारा वर्ष 2023 का विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया आपको बताना है। चलिए 59 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, हाँ यहाँ पर बता रहे हैं 59 नंबर का बी सिंगापुर, है ना, बिल्कुल सही है सिंगापुर, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 60 नंबर बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ निर्धारित की गई हैं, निम्नलिखित में से क्या इन 7 प्राथमिकताओं में से सम्मिलित नहीं है। 60 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर देखिए समावेशी विकास है, हरित विकास है, बट यहाँ पर जो पर्यटन विकास दिया गया ना, यही आपका क्या है, यही आपका शामिल नहीं है, बाकी सब है। आंसर लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपका ए नंबर था। अगला प्रश्न बताइए, और ये देखिए वाटर पेपर नंबर आपका 9वां है, यहाँ से हम प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। 51 नंबर देखिए आपके यहाँ से स्टार्ट है, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2023 के अवसर पर, है ना, यहाँ पर आपको बताना है सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दिया है, कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दिया है आपको बताना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारा भी जवाब आ चुका है, बता रहे हैं यहाँ पर 76, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है, ना आसान प्रश्न है, और इसका आपका नाम है आदित्य L1। भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक तपेदिक यानी रोग TB जिसे आप कहते हैं को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि TB जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो ये लक्ष्य रखा गया आपका 2025 तक। 53 का जवाब होगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अकॉर्डिंग बताना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP कितने परसेंट रहने का अनुमान है, कितने परसेंट रहने का अनुमान है आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 6 से लेकर 6.8%। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 62 से बोले हैं भैया हम 65 कर देंगे क्योंकि डॉक्टरों की वहाँ बहुत दिक्कत है, तो आंसर क्या होगा, अब 55 का आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश ऑप्शन जाएगा डी के साथ। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, इस वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है, 2023 में इसकी थीम क्या है आपको बताना है। 56 नंबर का जवाब क्या होगा, और 56 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है वन लाइफ वन लीवर, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, किस देश में प्रथम बार एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति यानी गोन कोकेन नाइनोई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 57 नंबर का आपको जवाब देना है, और 57 के यहाँ पर बताया जा रहा चिली, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए जून 2023 में प्रथम खेलो, यहाँ पर बताइए प्रथम खेलो जनजाति खेल महोत्सव का जो आयोजन आपका हुआ था, या आप किस शहर में हुआ था, किस शहर में हुआ था आपका जून 2023 में, तो आप कहेंगे ये तो आपका हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था जो कि उड़ीसा की राजधानी है, ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में किसकी नियुक्ति जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष पद पर हुई है, बताइए किसकी नियुक्ति जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष पद पर हुई है, उनका नाम क्या है और उनका नाम बताया जा रहा है, जेम्स है ना फार्ग्यूसन जिम इसकेवा, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर आंसर सही आपका हो जाएगा। किस राज्य को यहाँ पर बताइए आथुर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, 60 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 60 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 10वां मॉडल पेपर है, यहाँ से आपकी स्टार्ट है ना, 10वां मॉडल पेपर है। चलिए 51 नंबर देखिए आप यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, पूछा गया है 2022 की 71वीं
2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो है किसे प्राप्त हुआ है, बताइए किसे प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राप्त हुआ है आपका, उनका नाम है बानी ग्रेबियल। बानी ग्रेबियल यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। पूछा गया कोल्लम जो भारत का पहला ऐसा जिला बना जो संविधान साक्षर जिला है, बताइए किस राज्य में है। कोल्लम जो है किस राज्य में स्थित है, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब है, केरल बता रहे हैं। 52 का बी केरल, बिल्कुल सही है। केरल की राजधानी क्या, तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर ये प्रश्न भी हमने बहुत बार कराया है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका 2023 में आपका हुआ था, 15 से लेकर 17 फरवरी के बीच में हुआ था, किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा ये आपका फिजी में हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, कोप इंडिया वायुसेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है ना, भारत बताइए भारत ने किसके साथ किया है। 54 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 54 का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के साथ किया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है, फिर से देखिए आपका आ गया है। पूछा गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, 55 नंबर का जवाब बताना है, तो 55 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, 161वां स्थान आपका है। अगला प्रश्न बताइए, आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। आईसीसी का जो विश्व कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, उन्हें मतलब उनका नाम बताना है, तो आपके बनाए गए हैं आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। 56 का जवाब आपको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के रूप में अग्रणी राज्य बनाने से संबंधित है, तो आपका नंद बाबा सिल्क मिशन, मिल्क मिशन, नंद बाबा मिल्क मिशन। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक जो है मुगल गार्डन का नया नाम क्या है, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है आपको बताना है, तो उसका नाम है आपका अमृत उद्यान। क्या नाम है, अमृत उद्यान है। 58 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बताइए क्रिस हिपकिंस किस देश के नए नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 59 नंबर में आपको बताना है ये कहाँ के चुने गए हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है न्यूजीलैंड के चुने गए, बिल्कुल सही जवाब है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो पहले स्थान में भी आपके यहाँ पर महाराष्ट्र रहा है। ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है कि 5वां जो खेलो इंडिया गेम यूथ गेम्स था, इसमें आपका पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र का स्थान। यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट हो रहा है मॉडल पेपर नंबर 11वां, करंट अफेयर्स प्रश्न 51 नंबर से स्टार्ट है। बताइए भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है, उनका आपको नाम बताना है और नाम क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, कह रहे हैं शिवा चौहान, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा बताइए। पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस देश से संबंध रखते हैं, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस देश से संबंध रखते हैं, है ना, किस देश से संबंध रखते हैं आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 52 नंबर कह रहे हैं ब्राजील, ब्राजील का है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए ब्राजील देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है, याद रखिएगा ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है आपका क्या है, फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 53 नंबर आपको जवाब देना है, वर्ष 2022-23 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया है, बताइए किसे माना गया, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर बताइए किसे माना गया, कमेंट करिए सभी लोग यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है अमेजान, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर आपको बताना है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है, ना किसे दिया गया, उत्तराखंड बताया जा रहा है 27 झांकियों में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है उत्तराखंड आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ 55 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे नीदरलैंड, हाँ नीदरलैंड बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा, हाँ नीदरलैंड ने बिल्कुल सही है, ये आपका भारत में हो रहा था उड़ीसा में, तो नीदरलैंड ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। हॉकी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जब हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी लगाया जाता है, और पाकिस्तान के जब राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो भी हॉकी बताया जाता है। अच्छा आपको बताना है, एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है,
बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, 56 नंबर बताइए। और पूछा गया बजट 2023-24 में संपूर्ण पर्यटन पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। तो ये आपका है 50, विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का कौन सा राज्य देश का पूर्णतया डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ 57 नंबर का बिल्कुल सही है, केरल बन गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 58 नंबर बताइए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही के समय में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मेरापी जो है आपका 2963 मीटर ऊंचा है आपका मेरापी, और यहाँ पर बताया जा रहा है इंडोनेशिया। 58 नंबर का देख लीजिए जवाब सभी आ रहा है, इंडोनेशिया जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 नंबर आपको बताना है, भारत और फ्रांस के मध्य हुए यहाँ पर प्रिंजेक्स 2023 का जो युद्धाभ्यास है भारत में कहाँ पर हुआ है, भारत में कहाँ पर हुआ है आपको बताना है, तो ये आपका हुआ है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आपका हुआ है। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 60 नंबर का जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, आंसर बताइए 60 नंबर का जवाब क्या होगा, और ये आपका है 60 नंबर का जवाब गोंडा, है ना, बिल्कुल सही है गोंडा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी कह रहा है 60 नंबर क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, गोंडा आपका है। इस समय बताइए भारत में रामसर स्थल कितने हो गए हैं आपके, 75 हो गए, याद रखिएगा भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है इस समय, 75 है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए मॉडल पेपर नंबर आपका ये 12वां स्टार्ट हो रहा है, है ना, 12वां मॉडल पेपर है, यहाँ से 51 नंबर से स्टार्ट है, करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए गए हैं। बताइए भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक किस देश के साथ किया है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए कमेंट करिए सभी लोग, दुस्तलिक जो है किस देश के साथ किया है, और आपका जवाब आ चुका है ए नंबर कह रहे हैं बिल्कुल सही है, यहाँ पर उज्बेकिस्तान होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या महिला ओपन गोल्फ 2023 खिताब जीता है, है ना, 52 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है आदित्य अशोक, है ना, 52 नंबर का ए नंबर आदित्य अशोक जो है बिल्कुल सही है, है ना, बिल्कुल जीता हुआ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैजिकल केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर बताना है, यूरोप के किस देश ने मासिक धर्म में अवकाश देने वाला कानून पारित किया है, ना देखिए यहाँ पर मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान छुट्टी को लेकर कानून बनाने वाला जो आपका यूरोपीय देश बन गया है उसका देश का नाम है आपका स्पेन, स्पेन यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, है ना, मेंस्ट्रुअल लीव के लिए बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर मैड्रिड, देखिए मैड्रिड इसकी राजधानी भी कई बार पूछा गया है, इसकी राजधानी मैड्रिड है। अगला प्रश्न बताइए 54 नंबर आपको बताना है, 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है, 54 नंबर बताना है और 54 नंबर का बताया जा रहा है 126वां स्थान है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 137 देशों में से आपका भारत का स्थान 126वां है और आपका अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है, ये भी आपको याद रखना है। फिनलैंड मानेंगे अगर खुशहाली के मामले में, फिनलैंड आपका पहले नंबर पे है, कौन सा देश पहले नंबर पे, फिनलैंड की राजधानी कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिनलैंड की राजधानी कौन सी है। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर देखिए 55 नंबर आपको बताना है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे आप सीईओ कहते हैं किसे नियुक्त करते हैं, किया गया है, पहले परमेश्वर अय्यर थे, अब इनका काम खत्म हो गया, अब इनकी जगह कौन आ गए हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम हो गए हैं, 55 का सी होगा, 55 नंबर का सी देख लीजिए सभी कह रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए और 56 नंबर आपको बताना इससे आंसर क्या होगा, चलिए सभी लोग 56 कमेंट करिए। 2023 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, हाँ 2023 का देखिए जो मिला है ये मिला किसको है आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार, देखिए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, और जर्मनी की पूर्व चांसलर बता रहे हैं 56 नंबर का एंजेला मार्केल, है ना, ये जर्मनी क्या पूर्व चांसलर है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अभी आपको पता होगा नोबेल शांति पुरस्कार जो 2023 का प्रदान किया गया शांति का नोबेल पुरस्कार वो किसे मिला है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, याद रखिएगा यहाँ नाम लिख दे रहे हैं हम नरगिस, है ना, नरगिस थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा समझ जाइएगा, नरगिस लिखा है अब मोहम्मदी
नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह भी याद रखिएगा। ये यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करेंगे, एंजेला मार्केल, अगर नोबेल शांति पुरस्कार बात करेंगे तो नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए 57 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले में छत्रपति शिवाजी की किस जयंती का आयोजन हुआ? 57 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहा है 393वीं, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, 393वीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 393वीं जयंती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर बताइए 58 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? और ये किया है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, विकल्प नंबर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 59 नंबर आपको बताना है, आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? 59 नंबर का आपको कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 16 फरवरी 2023 को है ना, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया था आदि महोत्सव का उद्घाटन। यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, दिल्ली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया था, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस देश ने भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? किसने घोषित किया आपको बताना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी गा रहा है साउथ अफ्रीका, आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए मॉडल पेपर नंबर आपका 13वां स्टार्ट है। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 51 नंबर, 2022 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली है ना, यहाँ पर बताइए 2022 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली एलेस बियालियास्की किस राष्ट्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनको 10 साल जेल की सजा दी गई है? 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, 10 साल की इनकी सजा दी गई है और उनका नाम है आपका, यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा, सी नंबर बता रहे हैं, किस देश की है ना, यहाँ पर आंसर होगा बेलारूस, बेलारूस यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये लाइव क्लास है, लाइव है, लाइव है ना, ये अलग बात है, हम नाम नहीं ले रहे हैं आपका है ना, बट क्लास लाइव है, बस हम आपको सिर्फ कंसंट्रेट पढ़ाई पे ज़्यादा रखते हैं है ना, इस वजह से हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल लाइव क्लास है, कन्फ्यूज मत हुई है ना, लाइव चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं बताइए, और यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, इटली की पीएम है क्या, इटली की हैं, हाँ बिल्कुल सही, इटली की हैं, इटली के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम जियोर्जिया मेलोनी है ना, चलिए ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स किस देश की फिल्म है? 53 नंबर का जवाब देना है, और ये जो फिल्म है आपकी है ये कहाँ की है बताना है आपको। चलिए 53 नंबर का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है, ये भारत की है क्या, 53 का सी है, भारत, इंडिया, बिल्कुल सही है, हाँ ये देश का पहला ऑस्कर अवार्ड, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ पर हुआ? हाँ ये कहाँ पर हुआ था, तो गंगटोक में हुआ था, गंगटोक, सिक्किम की राजधानी कौन सी है, गंगटोक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, 55 नंबर, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत ने किसके साथ किया था जो 6-13 मार्च 2023 में संपन्न हुआ? किसके साथ किया था, तो आप कहेंगे सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना ने किया था, है ना, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर क्या लगाएंगे, आंसर लगा देना है आपको सिंगापुर वाला है ना, सिंगापुर, ये आपका 6-13 मार्च 2023 तक चला था आपका ये बोल्ड कुरुक्षेत्र वाला है ना, यहाँ पर अब युद्धाभ्यास था तो सिंगापुर के साथ था, याद रखिएगा बोल्ड है ना सिंगापुर। अगला प्रश्न बताइए, वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 किसने अपने नाम किया? वीमेंस प्रीमियर लीग पूछा गया, वीमेंस मतलब महिलाओं वाला, ये महिलाओं वाला है, तो महिलाओं वाले में है आपका मुंबई इंडियंस, महिलाओं वाले में कौन सा है, मुंबई इंडियंस है, किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, कितने विकेट से हराया था, 7 विकेट से हराया था, दिल्ली कैपिटल को हराया था। अब अगर हम कहें कि मैन वाला प्रीमियर लीग जो IPL है तो वो आपका चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, गुजरात टाइटंस को हराया था है ना, बट यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने हराया दिल्ली कैपिटल्स को, जो वीमेंस प्रीमियर लीग पूछेगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये वीमेंस यानी महिलाओं वाला था आपका। चलो 57 नंबर बताइए, और 57 नंबर बता रहे हैं, हाँ चलिए 57 का सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पर वाराणसी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, वाराणसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए, किस देश ने अपनी करेंसी पुना को छोड़कर 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अपना लिया है? 58 का जवाब आपका हो जाएगा, क्रोएशिया, क्रोएशिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय इनमें से कौन सा है?
वो कौन सा नगर निकाय है आपका? ये आपका इंदौर नगर निगम हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है, याद रखिएगा। और आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका इंदौर। कहाँ पे पड़ता है? आप कहेंगे ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में आपका ये पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 60 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा प्रश्न हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था, उसका नाम क्या है ना? उसका नाम क्या आपको बताना है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो यही चक्रवात बिपरजॉय ही है, पहला ही विकल्प है, बाकी विकल्प पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। यहीं से आप आराम से आंसर दे सकते थे, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए अगला आपका मॉडल पेपर है आपका, यहाँ पर ये 14वां मॉडल पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अमन सहरावत किससे संबंधित हैं? बताइए यहाँ पर आपको देखिए जवाब देना है। अमन जो सहरावत है किससे संबंधित है? 51 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। अब बताया जा रहा है बी नंबर कुश्ती से है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए। चलिए 52 नंबर देखिए, थोड़ा सा प्रश्न आपका हो सकता है कम दिख रहा हो सही से आपको। लिखा हुआ दुनिया का सबसे अमीर नगर किसे घोषित किया गया है? 52 नंबर का देखिए आपको बताना है दुनिया का सबसे अमीर नगर किसे घोषित किया गया है। तो 52 का जो जवाब आपका हो जाएगा, ये आपका न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सिटी है, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। अगला प्रश्न बताइए। छत्तीसगढ़ के किस चावल को जीआई टैग दिया है? तो छत्तीसगढ़ कौन चावल है जिसको जीआई टैग मिला है? वो आपका नागरी दुबराज है, नागरी दुबराज है। अगला प्रश्न बताइए। इस राज्य की सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का आरंभ किया है। 54 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। इस राज्य की सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का आरंभ किया है, और ये किया आपका केरल, बिल्कुल सही जवाब है। केरल यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? और 55 नंबर का बताया जा रहा है आशा भोसले, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना है आरबीआई के गवर्नर ने अप्रैल 2023 महीने में रेपो दर कितनी घोषित की है? ये दोस्तों घोषित की है आपका 6.5%, आंसर लगेगा आपका ए नंबर वाला। अगला प्रश्न बताइए। फिडे के नए शतरंज विश्व चैंपियन कौन है? फिडे के आपको बताना है नए शतरंज विश्व चैंपियन कौन है? 57 नंबर, तो ये आपके हैं आपके बी नंबर होगा डिंग लिरेन, है ना, डिंग लिरेन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना है शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की जो है बैठक कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है क्या? हाँ गोवा में हुई है, बिल्कुल सही है। 4 और 5 मई के मध्य हुआ था ना बैठक, गोवा में हुई थी, गोवा की राजधानी पणजी है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है? कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे ये बनाया जा रहा है आपका, हाँ कहाँ पर बनाया जा रहा है बताइए? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले जो नौसैनिक अभ्यास है उसका नाम है सिलाइनेक्स है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ से देखिए आपका मॉडल पेपर नंबर आपका 15वां स्टार्ट है, जो कि आप लास्ट मॉडल पेपर कह सकते हैं, है ना। चलिए 51 नंबर बताइए, करेंट अफेयर्स का है ये। और यहाँ पर आपको बताना है फ्रांस से प्राप्त 5वीं पनडुब्बी जो कलवरी श्रेणी की है उसका नाम क्या है, है ना, उसका नाम क्या है आपको बताना है। 51 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? कलवरी श्रेणी की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताया जा रहा है वागीर, बिल्कुल सही है, वागीर यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। 52 नंबर पूछा गया है अधंता नियंत्रण पॉलिसी पहली बार किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? ना पहली बार किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? तो ये आपका किया गया, आपका राज्य बना है राजस्थान बना है, राजस्थान यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका सही होगा 52 नंबर का डी नंबर, राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल सही है। राजस्थान अंधता नियंत्रण करने वाला देश का पहला राज्य आपका बन गया है, मुख्यमंत्री आपके सभी लोग पता है अशोक गहलोत है वहाँ के। और यहाँ पर 53 नंबर का जवाब देना है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? ये टाइटल किसने जीता है? और यहाँ पर बताया जा रहा है साल 2023 के फाइनल मैच में जर्मनी ने बेल्जियम को, है ना, शूट आउट में 5-4 से हराकर अपने नाम कर लिया। तो आंसर आपको जर्मनी लगाना पड़ेगा, 53 नंबर का डी नंबर। और किसको हराया? बेल्जियम को हराया, बेल्जियम को हराया, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है, बताइए यहाँ पर 54 नंबर का जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। लिखा हुआ है केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए परिव्यय पूंजी के रूप में आवंटित किए गए हैं? 54 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और बताया जा रहा है 2.40 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। 54 का भी था ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इस देश में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए वहां की सबरागमुआ विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है, सबरागमुआ विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है।
चलिए 55 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है, श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए 56 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग में बाहरी लेखा परीक्षक के लिए किस भारतीय को चुना है, और उनका नाम है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं होगा। ये आपके हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, जिसे आप शॉर्टकट में कैग कहते हैं। एक कैग होता है, एक सीजीए होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सीजीए आपके कौन है इस समय, एसएस दुबे हैं, और कैग कौन आपके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनका कार्यकाल 2024 से 2027 तक होगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर बताइए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है, और ये मिला है रवि कन्नन को मिला है। आपने नहीं लिखा रवि कन्नन, अच्छा लिखा तो है, लास्ट में ऑप्शन दिया गया, तो कोई बात नहीं, लास्ट में ना डॉक्टर रवि कन्नन बिल्कुल सही है, हाँ ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, चलिए आसान प्रश्न है। लिखा हुआ है हाल ही में आम आदमी पार्टी को यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, अब कितनी हो गई, अब आपकी 6 हो गई है। 58 का क्या होगा जवाब, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, हाल ही में बिहार के किस चावल को जीआई टैग दिया गया है, आसान प्रश्न ये भी है। ये दिया गया है आपका मरचा चावल को, कौन चावल है भैया, मरचा चावल है, काली मिर्च की तरह दिखने वाला है, ये काली मिर्च की तरह दिखता है, जैसे काली मिर्च नहीं होती वैसे ही दिखता है, बिहार का है प्रसिद्ध भैया, मरचा चावल है, मरचा चावल बिहार का। चलो आगे बढ़ते हैं, चूड़ा बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, चूड़ा नहीं होता, सुगंधी चूड़ा, ये चावल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, सूडान जो अपने गृह युद्ध से ग्रस्त है, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था, भारत ने कौन सा अभियान चलाया था, उस अभियान का नाम था ऑपरेशन, कौन सा था, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी बिल्कुल सही है। 7 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो आपके 150 प्रश्न थे, हमने कंप्लीट करा दिया है पूरा करंट अफेयर्स का, है ना, पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा।